वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ मैग्नेटिक मटेरियल्स का डिटेल में स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 12 विच इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो चैप्टर नंबर 12 इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स रिकॉल करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ वट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसका ऑलरेडी हमने स्टडी किया है लास्ट सेक्शन में। ठीक है, अ मूविंग चार्ज विच इज़ प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ एग्जिबिटेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। सेकंड पॉइंट, वट इज़ द टॉर्क यू एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग लूप केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका भी हमने लास्ट यूनिट में स्टडी किया है। द टॉर्क यू इज़ एग्जिबिटेड ऑन द करंट कैरिंग लूप विच इज़ प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड पॉइंट, वट इज़ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कॉइल। एंड अ फोर्थ वन इज़ द वट इज़ द फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड थ्रू द गिवन एरिया। ओके, सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन दिस चैप्टर टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। So far we focus our attention on generation of electric fields by the stationary charges and the magnetic fields by the moving charge. ठीक है, तो हम जो focus कर रहे हैं वो generation of electric field, ठीक है, by the stationary and as well as magnetic fields by the moving charge. ठीक है, तो यहाँ पर हमें stationary and moving charge को consider करके, ठीक है, generation of electric field इस पर हमें focus करना है। सो ड्यूरिंग द अर्ली डिकेट्स ऑफ 19th century, ठीक है, तो 19th century में जो ओरेस्टेड, एम्पियर एंड अ फ्यू अदर एस्टेब्लिश द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, तो ओरेस्टेड एंड एम्पियर जो साइंटिस्ट है, इन्होंने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया था बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म, दे आर इंटर रिलेटेड टू द ईच अदर। सो क्वेश्चन वॉज नेचुरली रेज वेदर द कन्वर्स इफेक्ट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड वॉज पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ था जो कि कॉमन क्वेश्चन है कि मूविंग चार्जेस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, सो दैट कैन बी अ पॉसिबल और नॉट। सो दिस इज कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट बाय द मूविंग मैग्नेट। ठीक है, एंड इसी वजह से जो है वो करंट प्रोड्यूस होता है मूविंग मैग्नेट्स में। सो इन 1831 फैराडेज इन इंग्लैंड परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन कनेक्शन विद द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय मीन्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो फैराडे जो साइंटिस्ट है जिसने 1831 में इंग्लैंड में कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। सो इन द सेम ईयर जोसेफ हेनरी दैट इज़ इन 1799 एंड 1878 demonstrate that the electric currents were indeed produced in closed circuit or coil when subject to the time varying magnetic field. ठीक है, तो जोसेफ हेनरी ने 1799 से लेके 1878 तक demonstrate किया था by the experiment that the electric currents were indeed produced in a closed circuit. ठीक है, तो जो electric current produce हो रहे हैं वो उसके लिए closed circuit और coil needed है। ठीक है, but सब्जेक्टेड टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उसे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में हमें सर्किट्स, क्लोज सर्किट्स और कॉइल को पुटअप करना पड़ेगा। द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट लेड टू वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नोन एज द फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो इस जो एक्सपेरिमेंट का आउटकम जो आया था, ठीक है, एंड विच इज़ वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट लॉ फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो जिसको नोन किया जाता है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। सो एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज नोन एज EMF एंड देयरफॉर अ करंट कैन बी इंक्लूडेड इन द वेरियस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, ठीक है, एंड करंट विच इज इंड्यूस इन द वेरियस प्रोसेस ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सो द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ऑफ फैराडेज आर समराइज एज गिवन बिलो। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशंस है एक्सपेरिमेंट के फैराडेज लॉस के, ठीक है, तो इसको यहाँ पे समराइज किया है, तो हमें वन बाय वन उसको स्टडी करना है डिटेल में। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट
फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो इन दैट व्हेन अ मैग्नेट अप्रोचेज अ क्लोज सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल एज शोन इन फिगर, इट प्रोड्यूसेस द करंट इन इट. दिस करंट इज नोन एज अ इंड्यूस करंट. ठीक है, तो जब मैग्नेट हम क्लोज सर्किट या क्लोज सर्किट दैट कंसिस्ट ऑफ कॉइल हम पुट अप करेंगे तो करंट उसमें इंट्रोड्यूस होता है. ठीक है, एंड दिस करंट इज कॉल्ड एज अ इंड्यूस करंट. सो इन दिस फिगर 12.1 अ बार मैग्नेट अप्रोचेज अ क्लोज सर्किट कंसिस्ट ऑफ कॉइल एंड अ गैल्वेनोमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे कॉइल कंसिडर किया है. ठीक है, दैट हैज़ अ सर्कुलर टर्न्स एंड इट इज कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल. एंड ड्यू टू दिस करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल देर इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी क्रिएटेड आउटसाइड दिस कॉइल एंड अ बार मैग्नेट विच कंसिस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल. सो दैट विल प्लेस इन साइड दिस करंट कैरिंग कॉइल. सो वेन द मैग्नेट इज टेकन अवे फ्रॉम द क्लोज सर्किट अ करंट इज अगेन प्रोड्यूस बट इन अपोजिट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द दैट इन एक्सपेरिमेंट वन. ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने देखा, ठीक है, वेन द बार मैग्नेट इज प्लेस नियर टू दिस कॉइल एंड ड्यू टू दैट द करंट विल बी इंड्यूस इन दैट. ठीक है, बट इन केस ऑफ दिस सेकंड ऑब्जर्वेशन वेन द मैग्नेट इज अवे फ्रॉम द दिस क्लोज सर्किट, यहाँ पे जो क्लोज सर्किट है दैट कंसिस्ट ऑफ कॉइल एज वेल एज दिस गैल्वेनोमीटर. ठीक है, अगर मैग्नेट हम इससे दूर लेके जाते हैं सो एट दैट टाइम द करंट इज अगेन प्रोड्यूस बट इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो करंट उसमें प्रोड्यूस होगा बार मैग्नेट में बट उसका डायरेक्शन जो रहेगा वो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से डिफरेंट रहेगा, दैट इज अपोजिट रहेगा. ठीक है, सो दैट इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन. थर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ फैराडे लॉ इज इफ द इंस्टेड ऑफ मैग्नेट द कॉइल इज मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट और अवे फ्रॉम इट एंड इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल दैट इज इन क्लोज सर्किट. ठीक है, तो मैग्नेट के अलावा हम जो कॉइल है, ठीक है, तो कॉइल को हम मैग्नेट के पास अगर हम लेके जाएंगे मीन्स वी आर मूव द कॉइल इंस्टेड ऑफ द मूविंग द मैग्नेट. सो एट दैट टाइम एंड इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल दैट इज इन क्लोज सर्किट. ठीक है, तो अगर हम कॉइल को मूव करते टूवर्ड्स मैग्नेट, ठीक है, मीन्स मैग्नेट के पास अगर हम कॉइल को लेके जाते और अवे फ्रॉम दैट मैग्नेट, ठीक है, तो करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा कॉइल में. सो दैट इज़ अ थर्ड ऑब्जर्वेशन. फोर्थ ऑब्जर्वेशन इफ द पोलरिटी ऑफ अप्रोचिंग और रिसेंडिंग द मैग्नेट इज चेंज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट्स इन द कॉइल आर ऑल्सो चेंज. ठीक है, तो जो पोलरिटी है, ठीक है, ऑफ अप्रोचिंग टूवर्ड्स द मैग्नेट इज चेंज देन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉइल इज ऑल्सो चेंज. तो जिस तरह से अगर हम मैग्नेट को लेके जाते कॉइल के पास सो दैट कैन बी अ करंट विल बी फ्लो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इफ द मैग्नेट इज टेकन अवे फ्रॉम द दिस क्लोज सर्किट लूप देन एट दैट टाइम द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट. देन फिफ्थ वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्पीड ऑफ द कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेट. तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रहेगा, ठीक है, सो दैट विल डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेट एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल. ठीक है, तो जो नंबर ऑफ टर्न्स हम यूज़ करेंगे कॉइल फॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो उस पर भी मैग्नीट्यूड जो रहेगा करंट का वो डिपेंड रहेगा. सो दैट इज द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ऑफ फैराडेज लॉ. सिक्स ऑब्जर्वेशन ऑफ फैराडे लॉ इज द इंड्यूस करंट एग्जिस्ट सो लॉन्ग एज देर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट. ठीक है, तो जो इंड्यूस करंट है कॉइल में वो तभी तक एग्जिस्ट रहेगा जब तक रिलेटिव मोशन है बिटवीन द दिस कॉइल एंड द मैग्नेट जो हम कॉइल के नियर पुट करेंगे. सो दैट इज द सिक्स ऑब्जर्वेशन ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो हियर इन फिगर 12.2 द टू कॉइल्स दैट इज कॉइल वन एंड कॉइल टू विद देयर प्लेन्स फेसिंग टू ईच अदर. ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो कॉइल्स कंसिडर किए कॉइल वन एंड कॉइल टू. कॉइल वन के साथ हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है एंड इन कॉइल वन अगेन रियोस्टेट
विच इज़ द वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है, तो हम सबसे रजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं, ठीक है, एंड बैटरी इज़ कनेक्टेड एंड की इज़ यूज टू ऑन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल और टू कनेक्ट दिस बैटरी और डिसकनेक्ट द बैटरी, फॉर दैट पर्पज की इज़ यूज. सो इंस्टेड ऑफ मैग्नेट एंड क्लोज सर्किट, टू कॉइल्स विद देयर प्लेन फेसिंग ईच अदर इज शोन इन दिस फिगर. सो ऑल्सो प्रोड्यूस द सिमिलर इफेक्ट एज मैंशन इन अबोव एक्सपेरिमेंट, दैट इज फर्स्ट टू सिक्स, ठीक है. तो फर्स्ट टू सिक्स जो हमने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन देखे, सेम ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हमें इसमें भी देखने को मिलेगा. वेन द कॉयल वन एंड कॉयल टू आर प्लेस इन देयर प्लेन्स, ठीक है, जो पहले एक्सपेरिमेंट में हमने एक बार मैग्नेट कंसिडर किया था, दैट इज पुट नियर टू द क्लोज सर्किट कॉइल, ठीक है, तो दोनों भी केस में ऑब्जर्वेशन जो रहेंगे वो सेम रहेगा, ठीक है. सो इन फिगर 12.2 वन कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी, रियोस्टेट एंड द की, ठीक है, तो एक जो कॉइल है वो उसको कनेक्ट किया हमने बैटरी, रियोस्टेट एंड की के साथ, ठीक है, वाइल द एंड्स ऑफ द अदर कॉइल आर कनेक्टेड टू द गैलेनोमीटर, एंड जो सेकंड कॉइल है प्लेन में उसको हमने कनेक्ट किया है गैलेनोमीटर के साथ. सो द कॉइल विच कंसिस्ट ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ, दैट इज बैटरी, इज टर्म एज अ प्राइमरी कॉइल, ठीक है, तो जो हमने कॉइल कनेक्ट किया है प्राइमरी सोर्स के साथ, ठीक है, बैटरी, ठीक है, सो दे आर कॉल्ड एज अ प्राइमरी कॉइल, वाइल द सेकंड कॉइल जो हमने गैलेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया दैट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी कॉइल. सो दीज आर द टू कॉइल्स, दैट इज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कॉइल. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो ऑब्जर्वेशन से फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.